वेलकम टू दिस स्पेशल सीरीज बीइंग स्मार्ट बाय स्लीवेल फाउंडेशन। आई एम रिचा अनुरुद्ध और हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन से बचने की, ताकि हमारे यंगस्टर्स की पूरी जिंदगी नशे की वजह से बर्बाद ना हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई नशे की लत का शिकार हो चुका है तो उससे बाहर कैसे निकलना है। तो दो तरीके हैं, एक तो प्रिवेंशन और एक क्योर। अगर आपको नशे की लत लग चुकी है लेकिन साथ ही आपके अंदर ये इच्छा जाग चुकी है कि आपको नशा छोड़ना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को हर उस सिचुएशन से दूर रखें जहां आप जानते हैं कि आपको नशा करने को कहा जा सकता है। ऐसी पार्टी से दूर रहिए जहां आपको पता है कि शराब या ड्रग्स जहां सर्व हो रहे होंगे और आप पर जोर जबरदस्ती की जाएगी कि अरे थोड़ा सा ले लो, कुछ नहीं होगा। ऐसी किसी भी जगह मत जाइए। आपको नशे में धकेलने वाले, मैंने पहले भी कहा था कि वो दोस्त नहीं होते, लेकिन अगर उन दोस्तों से दोस्ती टूटती भी हो तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको नशे की उस जाल से बाहर निकलने में मदद करें। नशे के शिकार लोगों को क्रेविंग्स होती हैं। नशे के जाल से बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं होता। विड्रॉल सिम्टम्स की हमने पहले बात की थी, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कभी पेट दर्द होगा, कभी मूड खराब होगा, कभी बहुत तेज तलब उठेगी कि कोई बात नहीं आज थोड़ा सा नशा कर लेता हूं। ऐसे दोस्त बनाइए जिन्हें आप उस क्रेविंग के समय पर फोन करें, अपनी तकलीफ के समय फोन करें और वो तुरंत आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएं। आपको कुछ भी करें लेकिन नशा ना करने दें। अगर आपको वाकई अपने नशे की लत छोड़नी है ना, अपनी जिंदगी में कोई भी अपनी एक पैशन, एक हॉबी ऐसी बनाइए जो आपको उस वक्त डिस्ट्रैक्ट कर सके जब आपको नशे की क्रेविंग हो रही हो। पैशन आपकी फिटनेस हो सकता है, एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग, रनिंग हो सकती है, या आपको पेंटिंग का शौक हो सकता है, आपको म्यूजिक हो सकता है, आप अच्छा गाते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, कुछ भी एक ऐसी चीज का सहारा लीजिए जो उस वक्त आपके थॉट्स को नशे की तरफ जाने से बचा सके। तो ये तो बात हुई प्रिवेंशन की, कैसे हम बच सकते हैं, लेकिन कई बार स्थिति इतनी गंभीर होती है कि इन चीजों से भी नशे की लत नहीं छूटती, जो कि मैं लगातार कह रही हूं। कई बार विड्रॉल सिम्टम्स बहुत तेज होते हैं और वो फिजिकल होते हैं, आपको नहीं उससे निकलने देते। तो फिर बारी आती है क्योर की, इलाज की। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि नशा भी एक बीमारी है जिसे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, इलाज की जरूरत होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपने विल पावर से सब्सटेंस अब्यूज को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, नशे की लत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो प्लीज डॉक्टर्स की, काउंसलर्स की हेल्प लीजिए। आप हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपने आप को पहले डिटॉक्स कर सकते हैं, उसके बाद आपको रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत होती है। एक प्रोफेशनल काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट आपको पूरा एक प्लान देते हैं, धीरे धीरे आपको गाइड करते हैं जिससे आप नशे के उस जाल से बाहर निकल सकें। इसके अलावा कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जैसे अल्कोहलिक अनोनिमस, नारकोटिक अनोनिमस, जिसके सदस्य वो लोग बनते हैं जो नशे के शिकार हो और उससे निकलने की कोशिश में हो। तो जब आप एक जैसे लोगों के साथ मिलते बैठते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस की रेगुलर मीटिंग होती है जहां पर कोई भी एडिक्ट जाकर ज्वाइन कर सकता है, अपनी बातें शेयर कर सकता है, कब उसको कैसी फीलिंग हो रही है। तो एक जैसे लोगों के साथ बैठकर, एक दूसरे की समस्याएं सुनकर, कहानी सुनकर हिम्मत मिलती है नशे के उस जाल से बाहर आने की। तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है, साथ साथ आपको प्रिवेंट करते चलना है कि भाई कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर नशे का सेवन हो रहा हो, और साथ ही डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से हिचकना नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने से हिचकना नहीं है, और ये बात एक्सेप्ट करने से हिचकना नहीं है कि मैं एक एडिक्ट हो चुका हूं या हो चुकी हूं और नशे की इस लत को मैं अकेले अपने दम पर नहीं छोड़ पा रहा हूं और मुझे इसके लिए मदद चाहिए। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, बुराई उस नशे में है, इसलिए उसे छोड़ना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बी स्मार्ट, से नो टू एडिक्शन, से नो टू सब्सटेंस अब्यूज एंड लिव अ हेल्दी लाइफ।